गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, शाबाश। सभी बच्चे अपना नाम और क्लास सेक्शन लिख दें, जिसने लिख दिया है वो दोबारा से ना लिखें, ठीक है भाई? 2:30 बज चुके हैं आपके, क्लास जो है साइंस की वो स्टार्ट हो चुकी है। आवाज जल्दी कीजिएगा। विदु जुड़ चुका है 9th A से, कुणाल यादव 9th B से, आयुष कुमार 9th E से, ऐसे ही राहुल भी जुड़ चुका है, शुभम भी जुड़ चुका है 9th B से, ऐसे आप परमेश यादव ये भी जुड़ चुका है 9th E से, शाबाश जल्दी कीजिएगा। कृष्ण 9th C से जुड़ चुका है, शाबाश बेटा। 1-2 मिनट के अंदर जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट करेंगे। विनय कुमार 9th A से जुड़ चुका है, वेरी गुड। बेटा आज हम जो है प्लांट टिश्यू को ख़त्म करेंगे, ठीक है? जल्दी कीजिएगा। शिवानी यादव 9th C से जुड़ चुकी है भाई। बेटा 9 हो गए हो क्लास में, तो तुम बहुत बच्चे हो। तन्नू भी जुड़ चुकी है 9th C से, शाबाश। गौरव यादव 9th C से जुड़ चुका है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट जो क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर हमने 2 टिश्यू परमानेंट के डिस्कस कर लिए थे। दिव्या भी जुड़ चुकी है 9th A से। एक तो हमने पढ़ लिया था पेरेंचाइमा, और दूसरा था बेटा कोलेनचाइमा। पेरेंचाइमा और कोलेनचाइमा हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के अंदर ही बेटा लिविंग सेल थी, ठीक है? कोई प्लांट बनाता है, अंशु जुड़ चुकी है, मुक्ति जुड़ चुकी है, और ऐसे ही रितेश भी जुड़ चुका है, शिवानी यादव जुड़ चुकी है, शाबाश। चलिए बेटा आज हम इस टिश्यू का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। खुशी भी जुड़ चुकी है, वेरी गुड। देखिए बेटा थर्ड पार्ट है आपका, जिसका नाम था सेलेन चाइमा। सेलेन चाइमा परमानेंट टिश्यू, टिश्यू शाबाश बेटा, और जुड़ जाइए जल्दी से। बेटा सेलेन चाइमा जो परमानेंट टिश्यू है, अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपकी इनलोंगेटेड मतलब जो लंबी सेल्स हैं वो होती है बेटा, वो थिन होती है, पतली होती है। इसके साथ साथ बेटा वो हार्ड भी होती है, मतलब मजबूत होती है। दूसरा कह सकते हैं कि बाकी के जो 2 टिश्यू थे, पेरेंचाइमा और कोलेनचाइमा, उसमें बेटा लिविंग सेल थी, इसके अंदर जो आपकी सेल्स होंगी वो डेड होगी, मरी हुई होगी, डेड सेल। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि बेटा इनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, वो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है बेटा वो अब्सेंट होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अंदर किसी तरह का 2 सेल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, इनके अंदर लिविंग सेल नहीं होती, डेड होती है।
बेटा इन सेल्स के चारों तरफ जो सेल वॉल होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो होता है सेलुलोज और एक का नाम होता है लिगेनिन या लिग्निन। तो बेटा लिग्निन और सेलुलोज दो से मिलकर आपकी क्या बनी है, सेल वॉल बनी है जो इन टिश्यू की सेल्स को कवर करती है और उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो बेटा जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोकोनट है और कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है, जो छिलका होता है उसका, वो कैसा होता है बेटा, बहुत हार्ड होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ऐसे ही और भी फ्रूट्स जिनका छिलका बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो वो कौन से टिश्यू से बना होगा, सेलेंचाइमा परमानेंट टिश्यू से बना होगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ भी हार्डनेस की बात आती है तो बेटा वहाँ पर लिविंग सेल ना होकर डेड सेल हो जाएंगी, उनके बीच में किसी तरह का बेटा कोई स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब एक सेल दूसरी सेल से टाइटली बेटा बाउंड होगी, एक दूसरे से कसी या बंधी हुई होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग होंगी, लंबी होगी, हार्ड होगी, और बेटा इनका ये है थिन होगा। तो जहाँ जहाँ पर हार्डनेस की बात आती है बेटा, वहाँ पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सेलेंचाइमा परमानेंट टिश्यू। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें सर, वाटरमेलन इज राइट एग्जाम्पल और नोट। अंशु एक बात बताइए बेटा, वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर अंशु वाटरमेलन की हम बात करते हैं तो बेटा उसका जो बाहर का सरफेस है वो इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा। लेकिन वाटरमेलन अगर देखा जाए तो बेटा हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वजन डालें तो बेटा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा सकती है, चांसेज हैं उसमें। लेकिन बेटा जो आपका कोकोनट होता है उसको अगर आप पुश करने की या स्ट्रेस करने की कोशिश करें तो शायद वो है बेटा ना दबे। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं पहले दो तीन, क्या इन दिस क्या क्या होता है। आप कहेंगे सर इनलोंगेटेड, इनलोंगेटेड हार्ड एंड थिन सेल्स, थिन सेल्स आर प्रेजेंट। पहला पॉइंट देख लीजिए बेटा, इसके अंदर लंबी, हार्ड मजबूत, और थिन का मतलब पतली सेल्स होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा कहेंगे सर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स आर अब्सेंट। ये बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी इसके बीच क्या नहीं होता, इंटरमोलिक्यूलर नहीं होता। कस्टर्ड एप्पल इज द राइट एग्जाम्पल और नोट। बेटा आप बताओ कस्टर्ड एप्पल हार्ड है या नहीं है। बेटा एक बात बताओ मुझे, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपकी क्या होती है, जैसे ये अगर मैं आपसे बात करूँ कि जैसे आपका होता है ना ये हार्ड, अगर जैसे बात करते हैं कि तरबूज तो नहीं, लेकिन जैसे बेटा अपनी ये कुकड़ी वगैरह होती है ना, कुकड़ी, इस कुकड़ी के ऊपर कितनी ही लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। इसमें जो मक्के के दाने होते हैं वो बेटा बार बार लेयर से कवर होते हैं। और ऐसे है आपका बेटा गन्ना हो गया, ठीक है, शुगर केन गन्ना, और गन्ने का जो छिलका होता है बेटा वो कितना हार्ड होता है। तो ये सारा का सारा किस में आता है, सेरलेनसाइमा परमानेंट टिश्यू आर अब्सेंट। तीसरा कहेंगे बेटा सेल वॉल मेड ऑफ किस किस की, पहला तो आप कहेंगे सर सेल्यूलोस एंड और क्या हो सकता है, लिगेनिन, लिगेनिन लिगेनिन, ये इन दो चीजों से बनी है विच कवर्स सेल। ऐसे ही कहेंगे सर
ऑल सेल्स आर डेड। इनके अंदर जो सेल्स होती है बेटा वो सर लिगेनिन, बेटा दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है बेटा उसको बोलते हैं लिगेनिन। ऐसे ही आपके नाम होता है जिसका हम बोल सकते हैं क्या, पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स। ऐसे ही नाम होता है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऐसे ही नाम होता है बेटा क्या, ग्लूकोप्रोटीन। लिगेनिन और सेलुलोज इज सेम और नॉट बेटा, बताए ना वेरिएंट फॉर्म, वेरिएंट फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म, मुकेश कुमार। ठीक है बेटा, अगर मैं ये कहता हूँ कि पेप्टाइडोग्लेन्स सेलुलोज का एक वेरिएंट फॉर्म है मॉडिफाई, तो हम कह सकते हैं हाँ सर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइंस इज सेम। तो यहाँ पे जो लिगेनिन है बेटा उसके अंदर आपका नाइट्रोजन और ऐड हो जाता है, तो जैसे ही आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, तो बेटा ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो प्रोटीन से यानी कि नाइट्रोजन से बनी है और बेटा ये आपकी कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, ऑर्गेनिक है। इसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसके अंदर भी बेटा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी है। ठीक है, ऑल सेल्स आर डेड, सेल्स वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज और लिगेनिन। बताया ना बेटा प्रोटीन से ये निर्मित है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में नहीं होता। इनलोंगेटेड हार्ड और थिन सेल्स वॉल्स जो है बेटा ये इसमें प्रेजेंट होती है। सर इज देयर ए सिंगल डायग्राम ऑफ सिंगल टिश्यू। बेटा ये जो आपका डायग्राम है सिंगल टिश्यू का, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ दिखाने का, क्योंकि टिश्यू जो होता है बेटा वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू के बेटा सब पार्ट भी हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उन सब पार्ट के अंदर क्या क्या है। ठीक है, सब पार्ट के अंदर बेटा क्या क्या है ये हम देख रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, आ चुका है बेटा, देखो गूगल मीट पे नहीं बेटा, लाइव चल रही है यूट्यूब पे, उस लिंक पर क्लिक करो, ग्रुप में देखो। दो बजे लिखा होगा कि क्लास जो है 2 बजे स्टार्ट होगी, वो लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक करो, क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन बेटा लिंक पे क्लिक करोगे तभी तो यूट्यूब पे आओगे ना। हाँ हाँ करो बेटा, है ग्रुप में, सभी ग्रुप में है, ए बी सी डी सभी में। ठीक है बेटा क्लिक करो, मैं हूँ लाइव। ठीक ओके बेटा, ये अंशु बेटा इतना जो है माइंड मत लगाइए आप कि देयर इज ए सिंगल डायग्राम ऑफ सिंगल टिश्यू। बेटा मैं पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की जो सेल्स हैं वो बेटा टिश्यू जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको डायग्राम से दिक्कत है तो बेटा ये तो आपको रहेगी, आपको इससे छुटकारा प्लस वन में जाके मिलेगा अगर आप बायो छोड़ देते हैं तो। बेटा जो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू आप समझ पाओ, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे कि सर सिंगल डायग्राम ऑफ सिंगल टिश्यू। बेटा हर एक चीज़ का बायो के अंदर डायग्राम तो मिलेगा ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है उसके अंदर वही बातें डिस्कस की जाए। आपको इसमें प्लस वन में छुटकारा मिल जाएगा अगर आप साइंस छोड़ देते हैं तो। ठीक है अंशु, कैसी बात करते हो, समझदार हो क्या आप। चलिए बेटा अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए बेटा इस तरह की जो है ये सेल्स, ये कनेक्शन है ये, फिर बेटा इसके बाद ये दूसरा कनेक्शन है यहाँ से, और ये जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन वो ख़त्म हुआ तो एक हिस्सा बेटा इसका ये, और फिर आपका ये दूसरा, ऐसे आपकी पार्ट के अंदर बेटा एक ही तरह की सेल्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती है बेटा, ये जुड़ी हुई हैं सभी सेल्स। दूसरा हम कह सकते हैं कि फिर एक पार्ट और देखिए क्या, ये देखो बेटा अगर मैं ऐसे इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ ये, फिर बेटा आपका ये अगला पार्ट इसको ऐसे ख़त्म कर देते हैं,
फिर ऐसे ही बेटा ये अगला पार्ट आपका ऐसे, तो फिर आपका जो है इस तरह से जो सेल है या डायग्राम है, फिर ये आप तीसरा ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो अगर आपसे देखा जाए तो एक ही तरह की क्या है बेटा, बार बार सेल्स रिपीट हो रही है और इन सेल्स को के अंदर कोई ना कोई करेक्शन है। अब ये पता लग जाए ये क्या है, तो देखिए बेटा ये वो पार्ट है जिसको हम पित बोलते हैं, और पित्त का मतलब होता है बेटा कोर्टेक्स या ज्वाइंट, और पित्त जो होता है बेटा कोर्टेक्स अलग है, पित्त अलग है। यहाँ से आपकी कोई ना कोई शूट्स निकलेंगी बेटा। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि ये बाहर का लेयर क्या दिखा रहा है, आप कहेंगे सर ये बाहर का लेयर जो है वो सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप ध्यान से देखें, आउटर लेयर सेल वॉल है बेटा, जहाँ पर ज्वाइंट की बात है वहाँ पे पित्त है। ऐसे अगर हम कहें क्या कि ये बीच बीच में जो आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इन सभी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर ल्यूमेन, और ल्यूमेन ना बोलो तो एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, और दैट इज द साइटोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं इसको या प्लाज्म बोल सकते हैं ल्यूमेन, ठीक है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए और क्या है, तो इसके अंदर है जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो ये बेटा गोल आपके जो पॉइंट है, डॉट्स हैं, ये डॉट्स इस बात को बताते हैं दीज आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये सारा का सारा क्या है बेटा, आप कहेंगे सर ये सारा का सारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द, किसका है बेटा, सेलेनचाइमा, सेलेनचाइमा ये आपका टिश्यू है बेटा परमानेंट, उसका ये एक सुटेबल डायग्राम। सेल वॉल किसकी बनी है, आप तो ये पॉइंट याद रखिए, सेलुलोज और लिगेनिन की बनी है। न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बेटा, लेकिन जो सेल्स होती है वो आपकी क्या होंगी, डेड्स होंगी, ये बात ध्यान रखना। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्लेरेंचाइमा। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आप इसका एक बार डायग्राम जो है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया बेटा, चलिए बेटा मुझे बताइए, अनीता मैडम आप में से किसके घर गई थी और किसने फोन करवाया था, किसकी क्लास जो है बेटा साइंस की नहीं चल रही है, आप मुझे बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बात करवाई थी, किसके घर से करवाई थी मुझे बताइएगा आप। आता है बेटा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा किसकी क्लास नहीं चली इस वीक में बायोलॉजी की, बताइए, क्लास ले तो रहे हैं। चलिए बेटा मैंने बताया था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप्स की सेल से बने होते हैं, लेकिन बेटा जो ये टिश्यू होगा ये एक के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होगा, तो आप इसकी यही कहेंगे इट इज मेड ऑफ क्या, आप कहेंगे सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ये इसकी मेन पहचान है बेटा। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की जो सेल है उसी से बनी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो पहली टाइप क्या होती है, आप कहेंगे सर जाइलम, और बेटा सेकंड जो टाइप है इसकी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर फ्लोएम, फ्लोएम। ये बेटा आपके दो तरह के हैं।
अगर आप एक एक की बात कर लेते हैं, पहले जाइलम की ही बात कर लेते हैं, तो अगर आपको पूरा बता दिया जाए तो डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हैं। तो देखिए बेटा, जाइलम जो है जैसे निकला है जय, और जय का मतलब होता है जड़। जड़ को हम बोलते हैं बेटा रूट, और रूट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्टेम। तो बेटा अगर मैं ये कहूँ कि ये रूट में स्टेम्स में प्रेजेंट होता है तो बिल्कुल सही बात है। जाइलम टिश्यू जो होता है वो प्लांट के रूट में और बेटा स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। नाम बेटा जाइलम जय से निकला है, तो जय का मतलब है जल यानी कि वाटर। तो इसका मतलब बेटा एक तरह से जाइलम जो टिश्यू है वो वाटर को प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से तो वो एब्जॉर्ब करेगा बेटा, और उसको जो है वो प्लांट के डिफरेंट टाइप्स में जा है उसको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो हमेशा क्या करता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को खींच करके पेड़ के डिफरेंट जो टाइप्स है भाग हैं उसमें सप्लाई करता है जाइलम टिश्यू। और बेटा दूसरा आप देखिए, चाहे जाइलम टिश्यू है चाहे फ्लोएम हो, ये दोनों के दोनों बेटा एक वैस्कुलर टाइप टिश्यू है। वैस्कुलर टाइप्स या उसको बेटा ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कह सकते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या वैस्कुलर टिश्यू, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। चीज़ों को स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद बेटा इनमें कुछ पार्ट होंगे, उस पार्ट के थ्रू ये जो चीज़ स्टोर की गई है वो आपकी स्प्रेड हो जाएगी। तो चलिए जाइलम की देखते हैं क्या। इट इज़ फाउंड इन किस किस के अंदर, आप कहेंगे सर रूट्स एंड स्टेम्स। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक तो ये स्टेम्स के अंदर होता है, एक आपका ये रूट्स के अंदर होता है, दूसरा है पहला पॉइंट। दूसरा है बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या है इसको बोलते हैं बेटा, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि वाटर को कंडक्ट करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। किसको कहा जाता है बेटा, जाइलम को। अब इसका फंक्शन देखिएगा, ये क्या काम कर सकता है। तो आप कहेंगे सर इट कंडक्ट्स, क्या क्या कंडक्ट करता है, आप कहेंगे सर वाटर एंड मिनरल्स। बेटा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाटर के साथ साथ जो है ये मिनरल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है या कंडक्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये इसका मेन फंक्शन है बेटा। और मैंने कहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो एक तरह से यूनिडायरेक्शन ही तो है, मतलब हमेशा चीज़ों को एक ही तरफ ले जाता है, एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करता है। बेटा एक बात देखो, जब मैंने कहा बेटा स्टेम्स है, यहाँ पे देखो स्टेम्स है बेटा, उस स्टेम्स से आपकी क्या निकलेगी, आप कहेंगे सर शूट्स निकलेंगी, और उस शूट्स के अंदर फिर क्या आएगी बेटा, लीफ आएंगी। तो बेटा पत्तियों तक वो चीज़ पहुँचेंगी कैसे, जब आपका स्टेम से इधर भी जाए, इधर भी, लेकिन है तो बेटा ये सारे अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अंदर डायरेक्शन यूनिक ही मानी जाएगी, यूनिडायरेक्शनल। मैं लिख तो चुका हूँ बेटा कि चाहे अपवर्ड हो तो जिस भी हिस्से में जाएगी केवल वो उसमें ऊपर की तरफ ही चलता जाएगा। तो दोनों बातें लिख दी, यूनिडायरेक्शन भी ठीक है बेटा, अपवर्ड भी ठीक है। दिव्या यादव, बेटा जिस भी पार्ट में जाएगी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, रिवर्स में नहीं हो सकती इसकी डायरेक्शन, ये आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरा आप कह सकते हैं क्या कि ये किस किस को सप्लाई करता है, आप कहेंगे सर वाटर को एंड मिनरल्स को ही सप्लाई करता है। दूसरा आप कह सकते हैं क्या, सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट, सेल वॉल
इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसकी जो सेल वॉल है बेटा वो भी आपकी किससे बनी होगी, सेलुलोज से ही बनी होगी। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जल्दी कीजिएगा। शाबाश बेटा, एक बार इसका जो है ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलिए देखिएगा इसका आगे का पार्ट। बेटा हम ये भी कह सकते हैं स्टेम्स के साथ साथ ये शूट्स या ब्रांचेस टहनियों में भी है, और हम ये भी कह सकते हैं लीफ में भी होता है जाइलम टिश्यू, तभी तक तो वो चीज वहां तक पहुंचेगी। और आप कहेंगे देयर आर फोर कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जाइलम टिश्यू। बेटा ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जाइलम टिश्यू को बनाने के लिए फोर कंपोनेंट जो है वो यूज होते हैं, और उसके नाम क्या क्या हैं, और बेटा उनकी वर्किंग क्या क्या है, और फिर उसके बाद उसका डायग्राम, बस ये आपका है इसमें। तो देखिएगा अगर इसके हम बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे सर पहला पार्ट कौन सा है, तो बेटा पहला नाम होता है ट्रेकियोइड। ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेकियोइड्स। ईओइड्स, ठीक है। दूसरा है बेटा वेसल्स, दूसरा पार्ट होता है वेसल्स, और तीसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं जाइलम पेरेंसाइमा। और बेटा ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, क्या आप कहेंगे सर जाइलम फाइबर्स, क्या नाम है बेटा जाइलम फाइबर्स, ये आपके बेटा फोर्थ पार्ट है फाइबर्स। ध्यान से देखिएगा ट्रेकियोइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंसाइमा, जाइलम फाइबर्स, ये फोर पार्ट है बेटा। ये सारे के सारे किसको हैं, आप कहेंगे सर ये सारे के सारे आपके जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। बेटा पेरेंसाइमा आया है तो ध्यान से सुनिएगा, पेरेंसाइमा आप पढ़ चुके हैं, और उसके अंदर कैसी सेल्स होती है लिविंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा पार्ट है जो कैसा है, आप कहेंगे सर लिविंग है। इसके बाद बेटा ये कैसा पार्ट है, डेड सेल है। बेटा ये भी कैसा है, डेड है। और बेटा ये भी कैसा है, आप कहेंगे सर डेड। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेकियोइड्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो बेटा डेड है तो नॉन लिविंग, ऐसे वेसल्स आर डेड, जाइलम पेरेंसाइमा ये लिविंग है बेटा, और फाइबर्स जो है बेटा वो डेड है, ये मेन फैक्ट है, हमेशा याद होने चाहिए। शाबाश। दूसरी बात देखिए बेटा, इसका फंक्शन देखें तो एक तरह से ये क्या है, आप कहेंगे सर इनलोंगेटेड वाल, बहुत ही लंबी वाल की तरह दिखती है, एंड ट्रांसपोर्ट क्या करती है बेटा, आप कहेंगे सर वाटर एंड मिनरल्स, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, वाटर और मिनरल्स को जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करती है, कौन, आप कहेंगे सर ट्रेकियोइड्स, जो एक तरह से डेड सेल है बेटा। वेसल्स जो है इसका फंक्शन होता है बेटा सर्व वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा,
अगर वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो केवल किसका काम लेंगे? आप कहेंगे सर वेसल्स का काम होगा। दीज आर मेड ऑफ डेड सेल, या इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है बेटा वो डेड होती है, और यहां पर आप कहें कि ये लिविंग है और ये आपका फिर डेड है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि पेरेंचाइमा क्या है तो आप कहेंगे सर पेरेंचाइमा जाइलम, तो बेटा ये क्या करेगा? आप कहेंगे सर इट स्टोर्स फूड इन, इसके अंदर बेटा आप कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये हमेशा बेटा प्रोटोप्लाज्म के अंदर फूड को स्टोर करते हैं, जो फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, जो फूड बेटा बनते हैं कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस के दौरान। हमने पढ़ाया था कि पेरेंचाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो बेटा वो फोटोसिंथेसिस कर जाते हैं। पॉइंट्स आप देखेंगे पीछे की वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए हैं बेटा? समझ गए? चलिए अगला है बेटा, क्या जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? बेटा फाइबर का मतलब होता है रेशा। अगर मैं ये कहूं क्या कि किसी भी चीज को क्या करना, सपोर्ट करना, यानी कि एक तरह से उसको सहारा देना, और बेटा आप कहेंगे सर ट्रांसपोर्ट करता है क्या वाटर को कहां से कहां तक? आप कहेंगे सर फ्रॉम लीव्स या लीफ टू अदर पार्ट। बेटा लीफ के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीजों को लेके जाना, उसको हम बोलते हैं बेटा जाइलम फाइबर्स, जो डेड सेल से बना है, स्पोर्टी होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, लेकिन कहाँ से? आप ये मेन पॉइंट ये देखें, लीफ से दूसरे पार्ट में। ये भी वाटर को बेटा क्या कर रहा था, लेकिन ये स्टेम के अंदर कर रहा था ऊपर की तरफ, और बेटा ये वाटर और मिनरल्स दोनों के लिए यूज होता है ट्रेकोइड्स। अब एक बार इसका डायग्राम और देख लिया जाए तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, और आप चाहें तो मैं इधर बना देता हूं, इधर देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। ये देखिए बेटा ये आपकी थिक वॉल है, ठीक है, क्योंकि जब तक थिक वॉल शो नहीं करोगे ये आपकी थिक वॉल है। ऐसी एक इधर स्ट्रक्चर ले लीजिए, सेम स्ट्रक्चर है ये, आप समझ पाएंगे इस चीज को इधर से। ये जो आपको दिख रहा है दो बाउंड्री के बीच में जो लेबल डायग्राम है, ये एक तरह से बेटा थिक वॉल है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, थिक वॉल है बेटा। दूसरा आप कहेंगे क्या कि अब इन दोनों के बीच में पता लगे क्या क्या है। देखिए यहां पे ये बेटा मैं मिनरल्स को शो कर रहा हूं, आप चाहें तो डॉट से शो कर सकते हैं, है ना, या पॉइंट से शो कर सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये मिनरल्स है बेटा। और मिनरल्स के साथ साथ आपको और क्या शो करना पड़ेगा, यहां से देखो वाटर भी है बेटा, वाटर भी, तो बेटा इसके अंदर ऐसे डॉट लगा दीजिए ये, तो ये वाटर भी हो गया। तो वाटर के साथ क्या सोल्यूबल है आपके? मिनरल्स है बेटा। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं कि ये चीज क्या है तो आप कहेंगे सर मिनरल्स है, मिनरल्स, और बेटा इसके साथ साथ प्लस करके ये चीज क्या है, आप कहेंगे सर वाटर, तो वाटर और मिनरल्स हो गया बेटा। और मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा वन वे या यूनिडायरेक्शनल या कह सकते हैं अपवर्ड, तो यहां पर इन चीजों की जो डायरेक्शन होगी फ्लो करने की वो हमेशा क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल। तो बेटा इस तरह से ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो चीज है बेटा ये हमेशा आपकी यूनिडायरेक्शनल ऊपर की ओर जा रही है। ये देखो
तो इसमें जो एरो का साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि चीजें बेटा ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और बेटा अगर हम ये कह दें क्या कि बेटा अब ये जो है ये आपकी, इससे बेटा ध्यान से समझिएगा, ये सेल इस सेल से बेटा मिल नहीं रही है, तो जहां पे ज्वाइंट ना हो वहां पे एंड होगा ही नहीं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, सेल वॉल विदाउट एंड्स। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, सेल वॉल्स विदाउट एंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर इन दोनों चीजों को आपस में मिला देते तो इसका मतलब क्या होता बेटा, आप यही कहते कि सर आपका ये एक चीज दूसरे से मिल रही है, मतलब वो वहां पे फिनिश हो रही है। लेकिन बेटा यहाँ पे कोई बाउंड्री या कोई वाल नहीं है जो इन चीजों को मिलाए या खत्म करे। तो बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ द, आप किसका कहेंगे सर, जाइलम टिश्यू। और बेटा जाइलम टिश्यू के अंदर ये चार चीजें होती हैं, इनकी वर्किंग अक्सर वो पूछ लेता है डेड है या किस तरह की है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शाबाश बेटा जल्दी से कीजिएगा। शाबाश बेटा, अब बात करते हैं लास्ट टिश्यू की। और बेटा उस टिश्यू का नाम है अपना क्या, जिसका नाम है बेटा फ्लोएम। फ्लोएम ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखें, ये फूड को केवल स्टोर कर सकता है, लेकिन बेटा फूड को जो सप्लाई करेगा ना वो आपका फ्लोएम होगा। जाइलम में तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स का नाम आएगा, लेकिन यहां पर जो नाम आएगा फ्लोएम में वो वाटर के साथ साथ बेटा फूड का नाम आएगा। ये डिफरेंस है। तो आप दूसरा देख लेते हैं और लास्ट, उसके बाद चैप्टर खत्म। और ये है बेटा फ्लोएम, ध्यान से देखिएगा फ्लोएम। चलिए बेटा, बेटा फ्लोएम टिश्यू वो होता है जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो आपके फूड को स्टोर किया गया है, किसने, जाइलम टिश्यू ने, उस जाइलम टिश्यू से बेटा कुछ पार्ट इसमें भी हैं जिसके थ्रू वो फूड बेटा आपके प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। तो अगर आप कहें क्या मेन फंक्शन इज टू सप्लाई स्टोरेज फूड इन जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखें क्या कि जाइलम के अंदर जो फूड स्टोर हुआ है उसको वहां से लेकर पेड़ के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आप कहेंगे दिस रीजन इट इज कॉल्ड आल्सो बास्ट। इसको हम किस नाम से और जान सकते हैं बेटा, बास्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इसी कारण बेटा इसे क्या कहते हैं, हम बास्ट कहते हैं। दूसरा इट सप्लाई फूड इन टू वे या और इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। बेटा ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ऊपर की तरफ भी और बेटा नीचे की तरफ भी, टू ईच अदर। बेटा ये दोनों तरफ फूड को सप्लाई करेगा बाई डायरेक्शनल। यहां पे आपका टू वे है, वहां पे वन है बेटा, ये मेन डिफरेंस है। सर सर टेल मी जाइलम फाइबर्स। कुणाल बड़ी लेट होस्ट किया बेटा,
बेटा जाइलम फाइबर्स एक ऐसे छोटे छोटे रवे या रेशे होते हैं बेटा, जो हमारे किसको है? आप कहेंगे सर मिनरल्स को या बेटा वाटर्स को, जो लीफ होती है पत्तियां, उस पत्तियों से बेटा उसके डोर्सल और उसके दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। बेटा पत्तियों के अंदर, जैसे पत्ती के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? आप कहेंगे सर रेशे, फाइबर होते हैं। और अगर ये फाइबर्स ना होता तो पत्तियों के अंदर जो वाटर या मिनरल्स की सप्लाई है बेटा वो रुक जाती। ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये बेटा इसका मेन काम है। आप कहेंगे सर इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को और क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर फूड कंडक्टिव टिश्यू। फूड कंडक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं बेटा, जबकि वाटर कंडक्टिव टिश्यू हम जाइलम को बोल रहे थे। ठीक है, हाँ बेटा इसका एक लास्ट डायग्राम बनता है, मैं इधर बना देता हूं। देखिए बेटा ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये दो बाउंड्रीज है बेटा। और अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि ये एक यहां पे खत्म हो गई बेटा, ऐसे आपकी ये दूसरी, और बेटा ये ऐसे ही खत्म हो गई तीसरी, तो बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है बेटा। इसमें देख लीजिएगा, ये आपका ऐसे बेटा, ये ऐसे और ये आपका ऐसे, मतलब इसके अंदर जो बाउंड्री है या जो सेल है उसके पास एंड वॉल है बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स हैव क्या? आप कहेंगे सर एंड वॉल्स, सेल्स हैव एंड वॉल्स, बेटा ये आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा आप देखेंगे बेटा इसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं आप, वही आपका फूड रख सकते हैं बेटा। फूड, अब इसको हम ये फूड का नाम दे देंगे बेटा। ठीक है, इसको हम बेटा फूड कह देंगे यहां पे। हाँ बेटा इसकी डायरेक्शन आपको दो तरीके से करनी है, कहीं पे ऊपर कर दो, कहीं पर बेटा नीचे की तरफ कर दो। ऐसे ही बेटा यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ कर दो, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ कर दो, यहाँ पे फिर ऊपर कर दो बेटा, यहाँ पे आपका फिर नीचे की तरफ कर दो। और हम ये कह सकते हैं कि इनको क्या टू वे ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा दो तरीके से आपका जो है फूड का जो है बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये क्या है आपका? आप कहेंगे सर ये आपका फूड है, फूड है बेटा, और फूड है, और बेटा हमेशा मिक्स फॉर्म में जाएगा, तो इसमें भी वाटर आप दिखा देंगे, तो बेटा ये आपका जो डॉट दिखाई दे रहा है ये सारा वाटर को शो करता है। तो बेटा इसके अंदर वाटर भी होता है, फूड प्लस वाटर है। वहां पे वाटर प्लस मिनरल था, यहाँ पे फूड प्लस क्या होता है बेटा? वाटर होता है। दिस इज द सुटेबल डायग्राम ऑफ द, आप कहेंगे सर सर प्लीज टेल अगेन डायग्राम। सर बेटा एक बात देखिए, आपकी ये जो है ये बेटा सेल वॉल है, ये जो सामने दिख रही है ये सेल वॉल है बेटा, और ये आपकी जहां पर एंड हो जा रही है फिर स्टार्ट होके फिर एंड, इसको बेटा वॉल बोल रहे हैं कि सेल के साथ एक ऐसी बाउंड्री जुड़ी हुई है जो एंड हो सकती है, फिर स्टार्ट है फिर एंड है बेटा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इस सेल्स के अंदर बेटा वाटर है, और वाटर के साथ साथ आपका फूड है, और बेटा ये आपका ऊपर भी ले जा सकता है नीचे भी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है नीचे भी, इस वजह से इसको टू वे क्या बोल सकते हैं? सप्लाई ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट। और बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और फिर इसके लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्लांट टिश्यू बेटा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जल्दी कीजिए, लास्ट पॉइंट है बेटा ये इसका। लिख लिया? चलिए
चलिए बेटा, आप कहेंगे फोर मेन कंपोनेंट आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा? आप कहेंगे सर फ्लोएम टिश्यू। पहला देख लीजिए बेटा, पहला होता है साइव ट्यूब्स। पहला नाम क्या है बेटा? साइव ट्यूब्स। दूसरा नाम क्या है बेटा? आप कहेंगे सर कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। तीसरा बेटा नाम के साथ ही लिख दीजिए फ्लोएम पेरेंसाइमा, और बेटा ऐसे ही फोर्थ पार्ट लिख दीजिए क्या? आप कहेंगे सर क्या? फ्लोएम फाइबर, फाइबर। बस बेटा ये दो पार्ट तो नाम के साथ लिखने हैं। यहाँ पे ट्रैकियोइड्स था और यहाँ पे बेटा वेसल्स थी, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है साइव ट्यूब्स को और बेटा कंपेनियन सेल्स को। अब एक बात देख लीजिए बेटा, क्या कि साइव ट्यूब्स हो, कंपेनियन सेल हो या फ्लोएम पैनक्रियाज हो बेटा, ये तीनों के तीनों क्या होती है? आप कहेंगे सर लिविंग सेल्स होती है। दीज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, ये मेन डिफरेंस है बेटा। और एक बच गया फाइबर, वो आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर डेड हो जाएगा, डेड है बेटा ये। अब बेटा एक बात देखिए, अब इनके फंक्शन और पता लग जाए तो हम कह सकते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। साइव ट्यूब्स वो होती है बेटा, जब आपकी प्रोसेस होती है ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका एक तो H2O बेटा और एक आपका CO2, एक आपका H2O बेटा एक आपका CO2, या बेटा मैं दूसरा कह दूं कि सनलाइट होती है वो आपकी सोलर एनर्जी की फॉर्म में निकलती है सन से, और लीफ के अंदर बेटा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो स्टोर हो रही है मतलब आपका जो स्टार्च है वो इकट्ठा हो रहा है, और स्टार्च के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टार्च। स्टार्च इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा मैं ये क्या कह दूं? आप कहेंगे सर इट सप्लाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि जो फूड आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान बनेगा, उस सप्लाई उसको सप्लाई करेगा ये बेटा। ये इकट्ठा तो हो रहा है आपका जाइलम के थ्रू, लेकिन बेटा यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये सप्लाई है वो स्टोरेज कर रहा था। हाँ, दूसरा बेटा कंपेनियन सेल्स क्या होती है? आप कहेंगे बेटा कि जैसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डिफरेंट पार्ट को सप्लाई कर देगा, तो बेटा फिर आपकी ये ट्यूब्स के अंदर फूड निकल जाएगा, तो उसके अंदर दोबारा से चीज़ों को बेटा लोड करना, और बेटा लोड हुई चीज़ों को फिर से क्या करना? आप कहेंगे सर उसको हटा देना, तो लोड करना चीजों को, किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो आप कहेंगे सर इट लोड एंड अनलोड फूड, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये आप आराम से समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, या बेटा हम स्टार्च बोल सकते हैं इसको, कि फूड को किसके अंदर बेटा? साइव ट्यूब्स के अंदर डालना, और फिर बेटा ये ट्यूब्स उसको पहुंचा देगी ऊपर तक, फिर दोबारा बेटा वो खाली हो जाएगी, फिर उसके अंदर भरना। तो लोड और अनलोड करने का जो काम है वो हमारी कंपेनियन सेल्स करती है। तीसरा देखिएगा बेटा, कि फ्लोएम पेरेंसाइमा जो है बेटा, आप कहेंगे सर
इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं आप, तो नाम से देखिएगा कंडक्टिव सेल्स, बेटा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिव सेल्स। ये कंडक्टिव सेल्स का मतलब है बेटा, अगर पैरेन्काइमा ना होता तो कभी भी ये सेल इस ट्यूब्स के अंदर ना तो फूड को दे पाती ना बेटा उससे ले पाती, तो इसकी हेल्प से ही ये दोनों सेल अपना अपना फंक्शन करती है। लास्ट बच गया बेटा फ्लोएम फाइबर्स, तो आप कहेंगे सर इट सपोर्ट किसको, आप कहेंगे सर कंडक्टिव सेल। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि बेटा चार ऑप्शन दे देता है कि कंडक्टिव सेल्स को सपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम फाइबर्स, इन दोनों को काम किसकी वजह से हो रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा की वजह से हो रहा है बेटा, और आप कहेंगे सर सपोर्ट कंडक्टिव सेल्स एंड गिव्स, और क्या करता है, आप कहेंगे सर स्ट्रेंथ टू स्टेम्स। बेटा जो आपका स्टेम होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, या बेटा कंडक्टिव सेल्स को यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा को सपोर्ट करना, ये सारा का सारा किसका काम होता है, फ्लोएम फाइबर्स का। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ द फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू। कल को बेटा यही क्वेश्चन आ जाए राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, तो बेटा आप बीच में लाइन करके एक तरफ फ्लोएम एक तरफ जाइलम और लिख सकते हैं कि उसके चार पार्ट कौन से हैं, इसके चार पार्ट कौन से हैं। ऐसे ही बेटा आप लिख सकते हैं कि आपका जो जाइलम था उसमें कोई भी एंड वॉल नहीं थी सेल्स की, लेकिन बेटा इसके अंदर एंड वॉल्स हैं। ऐसे हम कह सकते हैं बेटा वो फू वाटर और मिनरल को सप्लाई करता है, ये किसको करता है बेटा, वाटर और फूड को सप्लाई करता है। इसे बास्ट भी कहते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, बास्ट भी बोल सकते हैं। ये आपका दोनों डायरेक्शन में करता है, वो केवल यूनि डायरेक्शन में या अपवर्ड में कर रहा था बेटा, रूट में स्टेम्स में लीफ के अंदर और शूट्स के अंदर बेटा आपका जो है जाइलम टिश्यू प्रेजेंट था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ बेटा आपका प्लांट टिश्यू जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, आपकी तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए बेटा। एक वीक लगा है इसके अंदर प्लांट टिश्यू के अंदर, सारी चीजें डेफिनेशन हो बेटा, वर्किंग हो या डायग्राम्स हो, आपको सारा करवाया गया है, ठीक है। हटा दें, चलिए बेटा प्लांट टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक एक वर्किंग एक एक डायग्राम हमने इसका क्लियर कर लिया बेटा, और आप बताइए एनिमल टिश्यू बेटा मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि मंडे को शायद आपका जो है वो दूसरा टीचर आ जाए, क्योंकि वन वीक हो चुका है बायो को, अब अगला जो वीक होगा वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का हो सकता है, वो अपना शेड्यूल देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर बायो की क्लास होती है तो एनिमल टिश्यू को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा फोर टाइप्स के टिश्यू आएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपने जो कीमती समय दिया वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा बाय सभी को, जिसने नहीं लिख रखा है वो लिख लेना अपनी कॉपी में बेटा, सेम ओके बाय।